संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कुरुक्षेत्र और कैथल के किसान आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोकेंगे। वे थीम पार्क में एकजुट होंगे और प्रदर्शन करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। पहले शाहबाद में भी रेल रोकने की तैयारी थी, पर यात्रियों की परेशानी को देखते हुए इसे टाल दिया गया। अब कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर ही किसान रेल रोकेंगे। प्रदर्शनकारी ट्रैक पर उतरते हैं तो 4 घंटे दिल्ली अम्बाला रेल यातायात ठप रह सकता है। इस दौरान 5 एक्सप्रेस और मेल गाड़ियां प्रभावित होंगी। रेलवे और पुलिस ने इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। भारतीय किसान यूनियन, प्रशासन और पुलिस ने बुधवार को आंदोलन को लेकर तैयारियां की। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने जीआरपी अधिकारियों से बातचीत की और उनसे प्लानिंग साझा की। अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन और रेल पटरियों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने का दावा किया। रेल पटरियों पर पेट्रोलिंग भी की जाएगी। इधर प्रशासन ने आंदोलन को देखते हुए कुरुक्षेत्र अम्बाला और कुरुक्षेत्र नरवाना रेल लाइन पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। बता दें, भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष कृष्ण कलाल माजरा के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज वीरवार को कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर रेल रोकी जाएगी। इसमें कुरुक्षेत्र और कैथल के किसान शामिल होंगे। किसान सुबह 10 बजे थीम पार्क में एकजुट होंगे। यहां से 11 बजे रेलवे स्टेशन के लिए पैदल की ओर चलेंगे। रेलवे रोड से होते हुए वे रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। प्रदर्शन की अगुवाई अम्बाला मंडल के प्रधान बलकार सिंह करेंगे। किसान 12 से 4 बजे तक शांतिपूर्वक ढंग से रेल रोको आंदोलन करेंगे। इस रेल आंदोलन के चलते 01841 गीता जयंती खुजराहो से चलकर कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का समय, जिसका 12:15 बजे का है, रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को समय पर लाकर रेलवे स्टेशन पर लाने का प्रयास किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस ट्रेन को आउटर पर रोका जा सकता है। 01842 गीता जयंती का कुरुक्षेत्र से खुजराहो रवाना होने का समय 3:10 का है। इस ट्रेन को 1 घंटे देरी से रवाना किया जाएगा। यहां बता दें कि आज इस प्रदर्शन के चलते जो ट्रेनें प्रभावित होंगी उनमें 01841 गीता जयंती, 02715 सचखंड एक्सप्रेस, 02925 पश्चिम एक्सप्रेस, 02926 पश्चिम एक्सप्रेस और 01842 गीता जयंती एक्सप्रेस ट्रेनें रहेंगी। वहीं स्टेशन अधीक्षक कुरुक्षेत्र के सिंह के अनुसार रेलवे स्टेशन की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए आरपीएफ व जीआरपीएफ थाना प्रभारियों को सूचित किया गया है। दोनों पुलिस टीमें रेलवे स्टेशन पर तैनात रहेंगी। ट्रेनों के लिए तकनीकी टीम और उच्च अधिकारियों से संपर्क रखा जाएगा। जीआरपी थाना प्रभारी जोगिंदर सिंह के अनुसार किसान आंदोलनकारियों को ट्रैक पर शांतिपूर्वक ढंग से बैठने की इजाजत दी गई है। अगर कोई भी आंदोलनकारी रेलवे की संपत्ति को हानि पहुंचाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।